नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा चिन्ह और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। खबर बस्ती से है। चौरसिया उत्थान समिति द्वारा सोमवार को अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षा गृह में बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया एडवोकेट एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य के 29वीं पुण्यतिथि पर समाज के प्रतिष्ठित नागरिकों और मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना महासम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए भाजपा विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने कहा कि बाबू शिवदयाल सिंह ने चौरसिया समाज को एकजुट करने की दिशा में जो कार्य किया उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कहा कि बदलते परिवेश में चौरसिया समाज को अपने राजनीतिक आर्थिक सामाजिक परिदृश्य के लिए एकजुटता बनाए रखनी होगी। महासम्मेलन को दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुनंदन चौरसिया, चिरंजीवी चौरसिया, जनक नंदिनी चौरसिया, हजारी लाल चौरसिया, राकेश चौरसिया इत्यादि ने विस्तार से प्रकाश डाला और वक्ताओं ने कहा कि राजनीतिक भागीदारी और शिक्षा से ही समस्याओं का हल निकलेगा। अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने में कोताही ना बरतें। सम्मेलन में चौरसिया समाज के सामाजिक राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र में योगदान एवं स्थिति तथा राजनीतिक एकजुटता पर विचार विमर्श कर निर्णय लिए गए। इस अवसर पर अतिथियों ने हाईस्कूल इंटरमीडिएट के 35 मेधावी छात्र छात्राओं को चौरसिया गौरव सम्मान पत्र बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया स्मृति चिन्ह देकर उनका उत्साहवर्धन किया। संचालन करते हुए रामजी चौरसिया ने समाज की समस्या और संकल्पों पर विस्तार से प्रकाश डाला। और आपको बताते चले, चौरसिया उत्थान समिति के जिलाध्यक्ष संजय चौरसिया ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य संरक्षक धर्मेंद्र चौरसिया, रामकरण चौरसिया, कोर कमेटी सदस्य रामजी चौरसिया लोगों ने हिस्सा लिया। उद्देश्य चौरसिया समाज का अपने राजनीतिक और सामाजिक प्रगति के लिए अग्रसर होना और अपने जो मौलिक अधिकार है उनकी प्राप्ति के लिए योजना रचना बनाना अवसर है। हमारे चौरसिया समाज के गौरव महापुरुष बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया एडवोकेट जो राज्यसभा के सांसद थे, उनकी आज पुण्यतिथि है। उन्हीं के पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित है। चौरसिया समाज जगह जगह एकत्रित होकर के उनको नमन कर रहा, याद कर रहा है और इसी माध्यम से अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना प्रारंभ किया है। आप पिछला वर्ग आयोग में सदस्य भी रहे तो क्या मानते हैं कि सरकार आयोग की बातों को मानेगी और पिछड़ा वर्ग को उनका हक मिलेगा? पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ये स्वतंत्र है, अधिकार संपन्न है और वहाँ जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें सरकार का कोई दखल नहीं होता है। और अभी हम जब से वहाँ हैं तब से अनेक समस्याओं का निदान हुआ है, व्यक्तिगत तौर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी। जैसे भी जो अध्यापकों का संघ था वो विषय आया आयोग में, उस पर आयोग ने लगातार सुनवाई करके निर्णय लिया, बड़ी संख्या में अध्यापकों की भर्ती पिछड़े वर्ग के लोगों के हुई। ये आज आपके समाज का कार्यक्रम है, आपके समाज से कितने लोग राजनीति में, कितने लोगों को टिकट मिल चुका है और आगे अभी क्या वर्तमान है? में वर्तमान में देवरिया जनपद से विधानसभा क्षेत्र रामपुर कारखाना से एकमात्र विधायक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में है, श्री सुरेंद्र चौरसिया जी। इसके पूर्व समाजवादी पार्टी से मिर्जापुर सदर से लगातार 3 बार विधायक रहे और 2 बार राज्य मंत्री का दर्जा था श्री कैलाश चौरसिया जी को, और वो अब तक की कुल 6 चुनाव लड़ चुके हैं। सब लोग हैं, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और आप लोग इस कार्यक्रम में आए इसके बहुत बहुत धन्यवाद। हम मंचासीन सभी नेतागण का एक बार नाम लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए सभी का वंदन अभिनंदन करते हैं और आप लोग हमारे इस गुरु वशिष्ठ की धरती पर आए इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। पूरे जिले की और चौरसिया उत्थान समिति कमेटी की तरफ से मैं सभी का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं अपनी बात आप लोगों के बीच से ही शुरू करता हूँ। मैं 2014 में जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रहा था तो मैंने ये बात कई बार आप लोगों के बीच में कहा है कि उस समय मुझे अपने गाड़ी में बैठने के लिए एक चौरसिया नहीं मिलते थे, लोग डरते थे, ये भी एक डर का माहौल था हमारे बीच में। हमारे साथ में उस टाइम जिले के उपाध्यक्ष थे भाई राजेंद्र चौरसिया जी, हम उनसे भी मिलते थे लेकिन जितना उनसे बन पड़ा वो
जितना उनसे उस टाइम पर पड़ा उतना उन्होंने किया हमारे लिए, लेकिन हम लोगों की जो ये पीड़ा थी, जब मैं ब्लॉक प्रमुख नहीं बन पाया सिर्फ इसलिए कि मैं चौरसिया था और आपकी संख्या का लोगों को अनुमान नहीं था। आपकी इसी बस्ती की धरती पर आपकी आज ये पूरा हाल भरा हुआ, बाहर लोग हैं, ये देखिए आपकी कितनी संख्या है, लेकिन लोग हमसे कहते थे कि आपकी बस्ती में संख्या क्या है। हमसे कई बार ये सवाल किया गया कि 4-5 हजार की संख्या है आपकी, तो आप लोग खुद देखिए आपके अगल बगल आपके गांव में कितनी चौरसिया की संख्या है। हम अपनी संख्या को नहीं जान पाते थे, क्योंकि राजनीति अगर करना है, समाज को आगे ले जाना है, तो पहले हमें संगठित होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा। उस मुहिम में जब मैं चौरसिया समाज में निकला तो मुझे एक दर्द जो एहसास हुआ कि मैं अब अपने समाज को एकजुट करूंगा। 2014 से लेकर मैंने दूर लगभग हर गांव में आप लोगों के बीच में गया हूं। मैं 2014 का चुनाव देखा, 17 का चुनाव देखा, 19 का चुनाव देखा, 22 का चुनाव देखा, आप लोगों के बीच में बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। आप लोग अब जाकर राजनीति में हिस्सेदारी लेने के लिए, कितने सारे हमारे प्रधान और बीडीसी रहते थे, लेकिन वो लोग बीच बीच में सिर्फ अपने गांव तक सीमित रहते थे। इसलिए जब आप अपने गांव तक, अपने पड़ोस तक सीमित रहेंगे तो विकास भी आपके गांव और आपके पड़ोस तक ही सीमित रहेगा। आज जैसे आप लोग प्रधान हैं, बीडीसी हैं, जिला पंचायत हैं, तो ऐसे आप लोगों को आपका दायित्व है कि आप अपने जिले के 10-20 लोगों को ऐसा तैयार करिए कि इसी तरह से वो अगली बार भी प्रधान बने। जब आप आगे निकलेंगे तो आपके समाज का हर एक बच्चा आगे निकलने के। मैं सिद्धार्थ नगर की धरती पर जब गया था तो मनोज भाई बैठे हुए हैं, उनकी टीम आई हुई है, आप लोगों को ज्ञात होगा, मैंने कहा था आप लोगों से, आज भी दोहरा रहा हूं, जो भी हमारे चौरसिया समाज में बालक आपको लगता हो कि वो किसी काम का नहीं है, नौकरी नहीं पाया, खेती नहीं कर सकता, आप उसे राजनीति कराइए, वो आपका सबसे बड़ा प्रोडा बनकर उठेगा। आपको लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, आप उससे राजनीति कराइए। राजनीति की वह ऐसी चाबी है कुंडी, आप बिल्डिंग से बड़ी बना लीजिए, लेकिन उस बिल्डिंग में घुसने के लिए ताला जो लग जाता है तो कोई भी घुस नहीं सकता। अगर इसी के बाहर गेट पे ताला लग जाए तो हम में से कौन इसके अंदर घुस पाएगा? उसमें एक छोटी सी चाबी लगती है, उस चाबी का मास्टर राजनीति होता है। जब हम नौकरी नहीं पाएंगे तो राजनीति करेंगे, अगर हम राजनीति किए तो राजनीति वो ऐसी चाबी है। जब आपका बेटा पद पर आएगा तो आपको ज्ञात होगा, आप लोग भली भांति जानते होंगे इस बैठे हुए सब समाज के साथ साथ आप लोग भी, जो भी आपके समाज का एक प्रधान या बीडीसी बन जाता है वो कुछ न कुछ पहले से बेहतर हो जाता है। ये आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं, आप लोग सब लोग दिल पर हाथ रख के कहिए। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि जो कामयाब है उसे नहीं राजनीति कराना है, तो जो नाकामयाब है उससे राजनीति कराइए और उसका सहयोग कीजिए, और जो लोग राजनीति कर रहे हैं जिले में प्रदेश में उनका सहयोग करिए, भरपूर सहयोग करिए। जैसे अभी माननीय विधायक जी ने कहा है कि सब लोग एक नेता मान लीजिए, हर जिले में जो भी नेता है आज आपके मंच पर सब दल के नेता बैठे हुए हैं, क्योंकि आपके समाज के हैं। अगर ये हर कहीं ना कहीं किसी ना किसी का हक हुकूक की तो लड़ाई लड़ेंगे, जब आपका कोई नेता नहीं होगा तो कैसे हक हुकूक की लड़ाई लड़ेगा? मैं आपका ही छोटा भाई, आपका बेटा हूँ, मैं आपके ही जिले से बाहर गया था, मैंने पटरी पर काम किया था, पटरी लगाई थी जिसको हम लोग ठेला बोलते हैं, ठेला लगाकर आज एशिया की सबसे बड़ी मंडी का इतना बढ़िया सा व्यवसाय करता हूँ, एशिया का सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज चलाता हूँ। तो ये सब आपके बेटे के हिम्मत और हौसले की बदौलत है, इसलिए अपने हौसले और हिम्मत के बदौलत आप काम कीजिए। मकराना मार्दन के भाई धर्मेंद्र चौरसिया जी, आप देखिए, वो पहले हम लोग जाते थे तो समाज में बहुत कम रुचि रखते थे, क्योंकि समाज के लोग साथ खड़े नहीं होंगे तो रुचि कहां से कोई रखेगा, लेकिन आज देखिए इतने बड़े कार्यक्रम के सबसे बड़े अगुवा वही है। तो मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है कि इतने बड़े कार्यक्रम के सहयोगी हैं, गुरु जी हैं, रामजी चौरसिया ने, वकील साहब है राम प्रसाद चौरसिया जी ने, एक एक घर में डोर टू डोर सब लोग लगभग परिचित होंगे इन लोगों से। ये लोगों ने अपने जीवन को खपा दिया है, आज हम लोग बालक हैं, इनके बालक हैं, इनके सामने हम लोग, इन लोगों की प्रेरणा है, इन लोगों की मेहनत को देखते हैं, और हम सब इसी तरह से 10-20-50 आज के कार्यक्रम में आप देख रहे होंगे 50 ऐसे नौजवान हैं जो आपको बैठा रहे हैं, आपको चाय पिला रहे हैं, आपके साथ सेवा का भाव रख रहे हैं। हमें इसी सेवा भाव के साथ अपने समाज को आगे ले जा रहा है। जो नौकरी में है वो नौकरी में अपने समाज की सेवा करे, जो बिजनेस कर रहा है बिजनेस में अपने समाज की सेवा करे, जो राजनीति कर रहा है राजनीति में। सभी मंचासीन नेतागण से मैं आग्रह करूंगा कि सभी लोग राजनीति में जहां भी जिसकी मदद की अपेक्षा
होगी ही, उस तरह से मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि ये बुराई का मंच नहीं है। लेकिन लोगों ने मदद उस तरह से नहीं किया, अगर उस तरह से किया होता तो आज मैं ब्लॉक प्रमुख होता। तो इसलिए मेरे अपने समाज का कोई बच्चा उसका मनोबल नहीं गिरने देना है, उसको हर स्तर पर धन बल जन सब तरफ से मदद करना है। आज हमारे साथ इतने लोग अगर आज मैं निकलता हूं तो आप में से सारे लोग कितने लोग हम लोग एक साथ हो लेते हैं, तो इतनी खुशी की बात है कि वो 2014 का दौर था जब हम लोग पंद्रह में ब्लॉक प्रमुख लड़ रहे थे, तब कोई चौरसिया मिलने को राजी नहीं था। आज समाज को जगाने के लिए क्या ये आज का जो कार्यक्रम है, ये हम लोग चौरसिया समाज को एकीकृत करने के ही लिए, क्योंकि हम लोगों ने लगातार 2014 से चौरसिया समाज को जगाने का काम किया है। डोर टू डोर गांव में गए, डोर टू डोर हम लोगों ने काम किया। चौरसिया समाज की मांग थी कि हम लोग कभी एक तरह एक मंच पे कब आएंगे, उसी के उपलक्ष्य में आज बाबू श्रीदार सिंह चौरसिया एडवोकेट का पुण्यतिथि थी, उसी पर हम लोगों ने योजना बनाई थी और उस योजना में हम लोग लगभग काफ़ी हद तक सफल भी रहे और हम लोगों का समाज जागृत हुआ, एकता आई। और दूसरी चीज़ है सामाजिक और राजनीतिक दोनों जो चेतना जागनी थी। जैसे सामाजिक स्तर पर देख लीजिए, हम लोग यहाँ से विभिन्न विभिन्न दलों से हम लोग राजनीति करते हैं, सभी लोग एक मंच पर हैं। हमारे यहाँ कप्तानगंज के विधायक महोदय ने हम लोगों के आग्रह पर हम लोग पूरे समाज के लोग एक साथ गए और वो वहाँ पे हम लोगों के बाबू शिव दयाल सिंह चौरसिया का स्मृति द्वार देने का काम किया। अब जाके गौर से और बवनान के रोड पर वो स्मृति चिन्ह द्वार लगेगा, तो हमारे भी पुरोधा जो हैं इनका भी स्मृति द्वार लगे, ऐसी हम लोगों की भी एक मन में था सब लोग, इसीलिए सारे लोग एकत्रित हुए। और एक इसी तरह से हम हर विधायक को चाहते हैं कि हमारे भी समाज के पुरोधा जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो समाज के पुरोधा हैं, इनका स्मृति चिन्ह लगे और हम लोग एकत्रित हों और हर पार्टी में हमें सम्मान मिले, हर पार्टी में हमें जगह मिले। जो जिस पार्टी की राजनीति करता है कम से कम वहाँ उसको हिस्सेदारी मिले, भागीदारी मिले। इसी लोकल स्तर पर हम लोग इसीलिए ये मेहनत हम लोगों की सफलता रही लगभग।